हमीरपुर में गांधी चौक पर मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों ने प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया। सैकड़ों मनरेगा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के प्रति अपना गुबार निकाला। सिट्टू ने भोटा चौक से लेकर गांधी चौक तक रैली भी निकाली और नारेबाजी की। इस मौके पर सिट्टू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर और अनिल मनकोटिया, जोगिंदर कुमार भी मौजूद रहे। वहीं अनिल मनकोटिया ने बताया कि आज पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ सिट्टू रैली व धरना प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में स्वास्थ्य सेवा ठप पड़ी है। अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा तो दे दिया गया है, लेकिन डॉक्टरों की सुविधा नहीं है, जिससे लोगों को आए दिन अस्पताल में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था भी चरमरा गई है। पूरे देश और प्रदेश के अंदर नौजवान, छात्र, मजदूर, किसान को लामबन करते हुए स्थानीय मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, और उसमें मुख्यतः जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, ऐसी सारी समस्याओं को चिन्हित करते हुए, मनरेगा की समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को चिन्हित करते हुए लोगों को लामबन करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। और उसमें हमारी मांग है कि जिस तरीके से जो केंद्र की मोदी सरकार की जो नीतियाँ हैं पिछले 4 सालों में, जो अच्छे दिनों का वायदा जिन लोगों ने किया, आज हम क्या देखते हैं, स्वास्थ्य के जो हालात हैं, अगर हमीरपुर की बात की, हमीरपुर को मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिलने के बावजूद एक बहुत लंबी कतार हम लोग देखते हैं, हजारों लोग वहां पर ओपीडी की लाइन में सुबह लगे होते हैं, वहां पर डिस्प्ले मशीन ख़राब है, सिटी स्कैन वहां पर लोगों का उनको बाहर करवाना पड़ता है, वहां पर इवन एक्सरे और जो अल्ट्रासाउंड है ये भी बाहर करवाना पड़ता है, और वहां पर जो रिसोर्सेज, जो वहां पर मशीनरी, जो सरकारी मशीनरी वहां पर होनी चाहिए, लगातार मंत्री लोग यहाँ पर विजिट करते हैं, अखबारों में फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी जो भाजपा की सरकार यहाँ पर आई, विधानसभा चुनाव के अंदर इनका मुद्दा था कि कानून व्यवस्था जो है वो सुधरनी चाहिए, आज हम क्या देखते हैं, हमीरपुर की अगर बात की जाए, जो ड्रग माफिया जिस तरीके से अभी पिछले कल ही पन्याला के जंगल के अंदर एक लड़की की लाश वहाँ पर मिली, और उससे पहले भी जिस तरीके से कुछ लड़कियां जो हैं वो नशे करते हुए जो उसमें पाई गई, और बहुत सारे नौजवान जो हैं, उड़ता पंजाब हम सुनते थे, पंजाब के अंदर इस तरीके का नशे का कारोबार पंजाब के अंदर होता, वही कारोबार इस सरकार के चलते जो है, सरकार के संरक्षण के चलते बहुत सारे लोग इस शहर के अंदर ऐसे हैं, बहुत कुछ एक नौजवान ऐसे हैं जिनके ऊपर मंत्री लोगों का, विधायकों का जिनके ऊपर साया है, और विदाउट जो पॉलिटिकल संरक्षण जो है, ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, ये नशे का जो कारोबार है, जो ड्रग माफिया है, इसके ऊपर शिकंजा करते हैं। उसके साथ साथ जो शिक्षा की अगर बात की जाए, हम देखते हैं जो प्राइमरी स्कूलों का जो ढांचा है, सरकार की जो नीति है उसको लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर जो रेगुलर जो वहाँ पर अध्यापक होने चाहिए, ये स्कूल के अंदर 2 टीचर हैं, 3 टीचर हैं, 1 टीचर भी है, तो कौन अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ाए। ये सारी सरकार की जिम्मेवारी है कि जो प्राइमरी जो सरकारी ढांचा है, प्राइमरी स्कूलों का जो ढांचा है उसको मजबूत करे, जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल के अंदर मिलती हैं, जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल के अंदर लोगों को मिलती हैं, वो सुविधाएं अगर सरकार सरकारी स्कूलों के अंदर दे, वो सारी फैसिलिटी, वो सारे टीचर वहाँ पर सरकारी स्कूलों के अंदर दे, तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूल के अंदर नहीं भेजेगा। और इस तरह का जो प्रदेश सरकार, जो हम उम्मीद करते थे कि कुछ एक अच्छी नीतियाँ लेकर आएगी, आज हम पिछले 5-6 महीने का जिनका कार्यकाल रहा है बहुत ही निराशाजनक रहा है, और हम ये मांग करते हैं जितने भी जो क्षेत्र हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जो लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकार उसके ऊपर जो है वो नीति लेकर आए, ताकि लोगों को जो है पूरा